Hello everyone, welcome back to House of Anabolics. My name is Riyaz Khan and we are back with new video. Today's topic is why you can use Norvadex or Clomiphene citrate. These two drugs can be used in the cycle. During the cycle, meaning that when you run a steroid cycle, you will not use these two drugs in the cycle. क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो लोग ये बता रहे हैं कि वो ये ड्रग यूज कर रहे हैं तो इन ड्रग्स को ड्यूरिंग साइकिल यूज करना एक बहुत डेंजरस अप्रोच हो सकती है तो मैं उसके ऊपर ही बात करूंगा कि क्यों वो डेंजरस अप्रोच हो सकती है तो उससे पहले आपको मेरे दो वीडियोस देखने जरूरी होंगे ताकि ये वीडियोस आप और अच्छी तरह से समझ पाए जिसमें से पहला वीडियो है एस्ट्रोजन कंट्रोल के ऊपर जो मैंने दिया था सर्म्स के ऊपर जिसमें मैंने टॉमोक्सिफेन सिट्रेट और क्लोमिफाइन सिट्रेट इन दोनों मेडिसिंस के ऊपर डिटेल में बात करी है उसके अलावा एक मेरा और वीडियो है जो है हाउ टू स्टार्ट नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन तो उसके अंदर भी मैंने एक एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन दिया है कि कैसे हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो काम करता है टेस्टोस्टेरोन बिल्डिंग के लिए तो ये दोनों वीडियोस देखना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप इस वीडियो को और अच्छे से समझ पाए अब बात करेंगे कि ये जो जादुई यूट्यूबर्स हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि वो इसको ऑन साइकिल यूज कर रहे हैं तो बेसिकली उनका ये कहना है कि वो इस ड्रग का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनको एस्ट्रोजन के साइड इफेक्ट्स ना आए और बिलीव में अगर आप इस ड्रग का इस्तेमाल करोगे तो आपको न्यूरल सिस्टम डिसऑर्डर हो जाएगा अगर आप जो है ड्यूरिंग साइकिल इसका इस्तेमाल कर रहे हो अभी हो सकता है कि आपकी बॉडी कभी रिकवर ही ना करे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को आपको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे जाना पड़े तो इन ड्रग्स का ड्यूरिंग साइकिल इस्तेमाल करना इतना हार्श हो सकता है अब वो क्यों हो सकता है मैं आपको इसके पीछे का थोड़ा सा साइंस बताता हूँ जैसा कि आप सभी लोगों को पता है जो मेरा चैनल देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा ऑर्गन फिट नहीं है जो आपके लिए एस्ट्रोजन बना सके यानी कि जैसे फीमेल बॉडी के अंदर ओवरीज होती हैं, ऐसे ही मेल बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गन फिट नहीं है जो आपके लिए एस्ट्रोजन बना सके मेल बॉडी में केवल एक ही तरीका होता है एस्ट्रोजन बनाने का वो है टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन जो कि होता है एक एंजाइम के थ्रू वो एंजाइम का नाम है अरोमाटेज एंजाइम जब ये दोनों मीटअप करते हैं तो जो तैयार होता है वो होता है एस्ट्रोजन का E2 फॉर्म यानी कि एस्ट्राडाइल एस्ट्रोजन तैयार होता है जो मेल बॉडी कंज्यूम करती है और उससे आपको एस्ट्रोजन के साइड इफेक्ट्स और बेनिफिट मिलते हैं अभी होगा क्या कि जब आप सर्म्स का यूज करोगे तो बेसिकली सर्म्स क्या होती हैं सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स यानी कि जो सर्म्स हैं वो आपके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को बाइंड कर लेंगी तो आपका एस्ट्रोजन है वो आपके एस्टर से अटैच नहीं हो पाएगा क्योंकि आप सर्म्स का यूज कर रहे हो सर्म्स के अंदर जो दवाई आती है वो है नोरवाडेक्स और क्लोमिफाइन सिट्रेट तो नोरवाडेक्स अगर आप यूज कर रहे हो तो होगा क्या कि आपके ऊपर जो आपका एस्ट्रोजन का रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करके रखेगी और जो भी एस्ट्रोजन के एंजाइम्स हैं वो उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे जब उससे वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो बॉडी में एक नया मैकेनिज्म तैयार होगा जो ये बताएगा बॉडी को कि बॉडी में समहाउ एस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप हो चुके हैं एस्ट्रोजन की जरूरत है वहां तक एस्ट्रोजन नहीं पहुंच पा रहा है तो एस्ट्रोजन की जरूरत हमें बहुत सी जगहों पर होती है जिसमें सबसे जो मेन जगह है वो है ब्रेन हमारे ब्रेन में डायरेक्ट सप्लाई होता है एस्ट्रोजन E2 रिसेप्टर के साथ कनेक्ट होता है तो वहां तक उसकी सप्लाई रुक जाएगी अगर वो सप्लाई वहां तक रुक जाती है तो आपकी बॉडी को इंस्टेंटली एस्ट्रोजन बनाना पड़ेगा अब क्या होगा कि वो वापस से एक लूप रन करेगी जो कि मैंने पुरानी वीडियोज में भी बताया था कि सबसे पहले हमारी बॉडी GnRH बनाएगी फिर LH बनाएगी फिर FSH बनाएगी और उसके बाद वो और टेस्टोस्टेरोन बनाएगी ताकि एस्ट्रोजन बनाया जा सके मगर ऐसा नहीं होगा आपकी बॉडी LHFSH बना के वापस से आएगी टेस्टिकल्स के पास और बोलेगी कि आप टेस्टोस्टेरोन बनाओ मगर होगा क्या कि आपकी बॉडी में इतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से आपके टेस्टिकल जंप स्टार्ट नहीं करेंगे और वो और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं करेंगे और वो लूप लगातार इसी तरह आपको हिट करता रहेगा आपके ब्रेन को कि और LHFSH भेजो एस्ट्रोजन नहीं है और LHFSH भेजो एस्ट्रोजन नहीं है और बॉडी इस मैकेनिज्म को रिपीट करती रहेगी जब ये रिपीट का प्रोसेस चल रहा होगा तो अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक आप इसका से समझ सकते हैं कि अगर आपके किसी ऑर्गन पर लगातार प्रेशर डाला जाए और वो लूप कंप्लीट ना हो जो उसका नेगेटिव लूप है वो उस तक ना पहुंचे और वो प्रोडक्शन रुकी ना जाए तो आपके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं इस केस में होगा क्या कि आपके अगर आप इस तरह से इन ड्रग्स का यूज करते रहेंगे तो आपके जो पिट्यूटरी के अंदर जो सेल्स हैं अंदर से जो हार्मोन रिलीज का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा अब होगा क्या कि ड्यूरिंग साइकिल क्योंकि आपके पास टेस्टोस्टेरोन है तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा मगर पॉसिबिलिटीज हाई हैं
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके साथ हो ही जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म लगा के अपने आप को सर्वाइव करती है। मगर हर किसी का बॉडी टाइप अलग अलग होता है और सबके ऊपर ये अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो अगर आपके ब्रेन को इसने इस तरह से हिट किया तो आपके पिट्यूटरी के सेल्स अगर डैमेज हो गए तो आपको कभी भी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाएगी और हो सकता है कि परमानेंट बंद भी हो जाए, क्योंकि एक बड़ा साइड इफेक्ट आएगा, आपको कम्प्लीटली टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ जाना पड़ेगा, आपको आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन पे ही अपनी बची हुई लाइफ को सर्वाइव करना पड़ेगा। तो इससे बेटर यही है कि ऐसे फुद्दू यूट्यूबर्स को सुनना बंद करो, पता नहीं कहाँ से क्या बोल रहे हैं, क्या सोचकर बोल रहे हैं और बस ये बोले चले जा रहे हैं और लोग इनको सुने चले जा रहे हैं, और मेरे हिसाब से पता नहीं कितने लोग इस बात को मान भी जाते होंगे कि जो वो बोलते होंगे विदाउट एनी क्रॉस क्वेश्चन कि भाई इसने तो बॉडी बना रखी है, तो इसने बॉडी बना रखी है तो जो ये बोल रहा है वो सच होगा। तो ये सच नहीं है, कोई भी सर्म्स ड्यूरिंग साइकिल यूज नहीं कर सकते। तो अब ड्यूरिंग साइकिल अगर इसको कम करना है तो हमने एस्ट्रोजन के ऊपर पूरा वीडियो बनाए हुए हैं, दो वीडियोस रिलीज हैं एस्ट्रोजन के ऊपर, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक करूंगा, आप जाके देखिए कि एस्ट्रोजन होता क्या है और कैसे कंट्रोल किया जाता है। सबको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एस्ट्रोजन कंट्रोल के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। गाइस ये था मेरा वीडियो कुछ मिथ्स के ऊपर, आई होप इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच गाइस।